और चलिए गंगा दोपहर की शुरुआत मऊ की खबर के साथ, जहां रतनपुर रेलवे ट्रैक पर पटरी काटी गई है। किसी ने 2 इंच तक रेलवे ट्रैक की पटरी को काटी है। यहां बड़ा हादसा, बाल बाल बचा है। शाहगंज बलिया पैसेंजर 50 मीटर पहले रोकी गई। एक सिरफिरे ने मौके पर धमकी भरा पत्र भी छोड़ा है। लिखा है कि मांग पूरी न होने पर बड़ी तबाही होगी, 50 करोड़ रुपए की भी मांग की है। ये देखिए, ये 2 इंच पटरी काटने के बाद किसी सिरफिरे ने यहां एक लेटर छोड़ा है, उसमें 50 करोड़ की मांग और आने वाले वक्त में भारी तबाही की धमकी दी गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि पैसेंजर ट्रेन को वक्त रहते रोक लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मऊ की ये तस्वीरें हैं। शाहगंज बलिया पैसेंजर 50 मीटर पहले रोकी गई है, यानी बहुत हल्की सी जगह बची है। राहुल से जानकारी लेते हैं। राहुल, ये बताइए, क्या पता चल रहा है, कितनी जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए सुनैलता, मैं ये बता दूं कि ये बलिया मऊ पैसेंजर ये सागर चलती है और ये बलिया के लिए जा रही थी कि पुल के पास जो है 34/32 नंबर डगरा है, यानी कि एक गेट है 21 नंबर, उसके बाद किसी सिरफिरे ने रेलवे ट्रैक को लगभग 2 इंची काट दिया था। वो कटिंग जो गैस कटर से में मीडिया को जानकारी हुई और तो जानकारी हुई तो आनंद फानन में सभी लोग मौके पर पहुंचे और सभी ने इस मामले को देखा। उसमें बताया जा रहा है कि मौके पे सिरफिरे ने कुछ लेटर इत्यादि भी चिपका रखे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रेल के ड्राइवर को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना होगा, क्योंकि उसने मौके पे उस सफेद कागज को देखकर, पटरी पे पड़े सफेद कागज को देखकर 50 मीटर पहले उसने गाड़ी को रोक दिया और ट्रेन को रोकने के बाद उसने जाके जब निरीक्षण किया तो देखा कि वो पटरी लगभग पुल के पास जो है लगभग 2 इंच कटी हुई थी। इस मामले में जब हमारी मऊ के पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये किसी सिरफिरे द्वारा किया गया कार्य है, जिसमें कि जिसकी वो उसमें डिमांड तो उसमें उसकी बस इतने ही है कि उसका किसी उन्होंने ये भी बात कहा कि ये मामला तो भटकाने वाला भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसका हर पहलू से जांच करेंगे। इसमें रेलवे आरपीएफ के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जीआरपी तथा स्थानीय पुलिस और साथ में इंटेलिजेंस का भी पूरा हम लोग सहयोग लेंगे। उस लेटर में जो मजमून लिखा गया उसमें ये कहा गया है कि उसकी किसी लड़की से अफेयर है और उस लड़की को उसके साथ जाने दिया जाए, अन्यथा वो बड़ी तबाही ला देगा। ऐसे मामले में इस तरह की घटना जो है काफी संवेदनशील है और मऊ ऐसे भी काफी संवेदनशील जिलों में आता है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले सीए को लेके मऊ में ही। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। किसी सिरफिरे ने, जिसे सिरफिरा आशिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा अपनी मांग के साथ, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 इंच तक गैस कटर की मदद से किसी पटरी को डैमेज कर देना, इसके बाद चिट्ठी छोड़ना, ये जांच कैसे होगी और कहां तक पहुंचेगी और कैसे पहुंचा जाएगा और आने वाले वक्त में इस तरह की वारदात ना हो, इस बात के लिए क्या एक्शन लिए जाएंगे, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।